ऑप्शन नंबर 28, अ टाइपिस्ट यूजेस अ शीट मेजरिंग 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर लेंथ वाइज, मतलब वो एक शीट यूज कर रहा है 20x30 बट कौन सी साइड लेंथ वाइज। लेंथ वाइज का मतलब क्या होता है, मतलब जिसके साथ लेंथ वाइज लिखा हुआ है ना वो लेंथ है, मतलब 30 इसकी लेंथ है और 20 इसकी ब्रेड्थ है। आगे लिखा हुआ है इफ अ मार्जिन ऑफ 2 सेंटीमीटर इज लेफ्ट ऑन ईच साइड एंड अ 3 सेंटीमीटर मार्जिन ऑन टॉप एंड बॉटम। कहते कि दोनों साइडों पे मार्जिन छोड़ना है दो दो का और ऊपर और नीचे मार्जिन छोड़ना है तीन तीन का। देखो इधर से भी दो छोड़ दिया, इधर से भी दो मार्जिन छोड़ दिया। कहते ऊपर और नीचे से कितना कितना छोड़ना है, तीन तीन का, ये भी तीन है और ये भी तीन है। तो बोला है देन परसेंट ऑफ द पेज यूज्ड फॉर टाइपिंग इज, तो कहते बताओ जी टाइप कितने परसेंट पेज पे हुआ, लिखा इतने पेज पे गया होगा ना, मतलब मेरे को ये निकालना है कितना परसेंट बनता है टोटल का। पहले तो हम टोटल पेज का एरिया निकाल लेते हैं, 20x30 600 हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि यूज कितना हुआ है, यूज्ड पेज। अब देखो सामने ये पूरा 30 था, 3 का मार्जिन नीचे छोड़ दिया, 3 का मार्जिन ऊपर छोड़ दिया, तो बची कितनी, 30 में से 3 उधर 3 उधर, तो कितना हो जाएगा 24। अब देखो ये पूरी की पूरी कितनी थी, 20 थी, 20 2 इधर से मार्जिन छोड़ दिया, 2 इधर से मार्जिन छोड़ दिया, तो कितना हो गया 16 होगी। तो मतलब कितना यूज हुआ है पेज, 24x16 16 4 64 16 2 32 एंड 6 38, मतलब इतना टोटल था लेकिन यूज कितना हुआ है, इतना यूज हुआ है। लेकिन उन्होंने कहता है, उन्होंने बोला कि परसेंट में बताओ, जितना यूज हुआ है वो ऊपर लिख लो, जितना टोटल था वो नीचे लिख लो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसलिए मल्टीप्लाई 100 लिख लिया, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, 6 6 36 पीछे बचा 2 एंड 4, 6 4 24, तो हमारा आंसर आ गया सी ऑप्शन 64%।